हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। सो टुडेज टॉपिक इज़ एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म डिस्कस करेंगे हम आज, जो कि है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एक डिज़ीज़। एंड इस डिज़ीज़ की सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या कहती है कि एन्यूरिज्म जो है क्या करता है कि आर्टरीज़ की वॉल्स हैं उसकी वीकनेस होने की वजह से वहाँ पे एक बल्ज फॉर्म हो जाता है। ओके, बल्ज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। दिस बल्ज कैन रप्चर एंड कॉज इंटरनल ब्लीडिंग। ऑल्सो एन एन्यूरिज्म कैन अकर इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, मतलब क्या है कि एन्यूरिज्म जैसे कि ये आपकी है नॉर्मल ब्लड वेसल्स ऐसी होते हैं, बट एन्यूरिज्म में क्या होगा कि ऐसे मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल्स थी और ये इस तरीके से यहाँ पर बल्ज का फॉर्मेशन हो गया, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों साइड ऐसे बल्ज फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सो बलून लाइक स्ट्रक्चर ऐसे उभर जाना ब्लड वेसल्स में ड्यू टू वीकनेस ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो वो होता है आपका एन्यूरिज्म। ठीक है, सो डेफिनेशन हमारी यही कहती है। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये आपकी नॉर्मल ऐसे ये ब्लड वेसल है, ठीक है, बट इस कुक में क्या हो गया है, एन्यूरिज्म हो गया है। सो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्वेल हो गई है ये, फिर यहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जिसकी वजह से अब जो ब्लड का फ्लो है क्या होगा, पहले नॉर्मली इसमें ब्लड का फ्लो कैसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था एंड इधर जाना चाहिए था। ठीक है, बट अभी क्या है कि इसमें ब्लड का फ्लो कैसे होगा, ऐसे तो हो ही रहा है, इधर तो जा ही रहा है, बट अब यहाँ पे भी जाएगा, जबकि यहाँ पे हमें ब्लड के फ्लो की ज़रूरत है ही नहीं, बट क्योंकि ये बलून लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है तो इधर भी ब्लड जाएगा जो कि इकट्ठा होते रहेगा। सो ये आगे कॉम्प्लिकेशन भी कॉज कर सकता है, फिर ये ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगी तो ये तो फिर डिजीज़ एक है ही। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉजेज़ डिस्कस कर लेते हैं। सो कॉजेज़ में क्या है कि डैमेज टिश्यू इन द आर्टरीज़ कैन प्ले अ रोल। द आर्टरीज़ कैन बी हार्म्ड बाय ब्लॉकेज सच एज फैटी डिपॉजिट। दीज डिपॉजिट कैन ट्रिगर द हार्ट टू पम्प हार्डर देन नेसेसरी टू पुश ब्लड पास द फैटी बिल्डअप। एंड नेक्स्ट इज अर्थरोस्क्लेरोसिस एंड हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, मीन्स मेन कॉज तो यही है कि जो वीकनेस हो जाने है इसमें किसकी, आपके ब्लड वेसल्स की वीकनेस हो जाएगी। नॉर्मली जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें लेयर्स होती है ना, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ये सारी जो लेयर्स होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स में, हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसकी तीन लेयर्स होती हैं। ठीक है, सो तीन लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। सो इन लेयर्स में अफेक्ट हो जाना, इन लेयर्स का अफेक्ट होना, इनमें बल्ज का फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाना, अनस्ट्रक्चर्ड हो जाना, ये सब चीज़ें एन्यूरिज्म में होती हैं। सो हम देखते हैं कॉजेस। फर्स्ट हमारा कॉज जो है, हमने बोला कि वीकनेस ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, अगर ब्लड वेसल्स की वीकनेस हो गई किसी भी डिजीज़ की वजह से, ये आपका इंजरी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका कोई भी कंडीशन है उसकी वजह से मान लीजिए वीकनेस होगी ब्लड वेसल्स में, तो उसकी वजह से क्या होगा, वीकनेस होने के बाद प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, आपका जो प्रेशर है इनसाइड में ब्लड का, ब्लड वेसल्स के अंदर, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा ब्लड वेसल का। अब ब्लड वेसल का डायमीटर तो इंक्रीज़ हो ही रहा था ना, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा ऐसा हो गया था, या फिर हो सकता है ऐसा हो जाए, तो डायमीटर तो इंक्रीज़ हो रहा है, ये चीज़ तो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, आपका इंक्रीज़ हो गया डायमीटर, तो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा टेंशन ऑफ द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, टेंशन ऑफ द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स इंक्रीज़ होने की वजह से प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन या प्रॉपर ट्रांसलेशन बोल सकते हैं आप ब्लड का नहीं होगा। अगर प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है ब्लड का, प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं हो रहा है ब्लड पूरी बॉडी में, देन इट विल कॉज व्हाट, हाइपोक्सिया। ठीक है, ये थी हमारी पहली कॉज एंड छोटी सी पैथोलॉजी भी इसमें आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, वीकनेस हो रही है ब्लड वेसल्स की, फिर उसकी वजह से जो है प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है इनसाइड द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है और उसका डायमीटर भी इंक्रीज़ हो रहा है एंड उसका टेंशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब इंक्रीज़ होंगी तो क्या होगा कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है पूरी बॉडी में ब्लड का वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अगर कोई पेशेंट है हाइपरटेंशन का, ठीक है, तो इन हाइपरटेंशन क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, डेवलप हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस, डेवलप हो गया। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस पता है आपको, फैट का डिपोजिशन होता है, तो उसकी वजह से जब फैट का डिपोजिशन हो जाएगा तो ब्लड वेसल कैसी हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, तो वो कॉज कर देगा आपका इशीमिया। मीन्स इशीमिया क्या होता है, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ओके,
सो टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो ये हो गया आपका इशीमिया कॉज कर देगा। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी अगर प्लेक का फॉर्मेशन हो गया, प्लेक का फॉर्मेशन हो गया तो O2 का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ब्लड वेसल्स में। अगर O2 का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ब्लड वेसल्स में देन ऑल्सो कंडीशन इन विच हाइपोक्सिया कैन अकर, ठीक है। सो ये थी आपकी हाइपरटेंशन। एंड नेक्स्ट इज मायोटिक एनोरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट इज मायोटिक एन्यूरिज्म। मायोटिक एन्यूरिज्म में क्या होता है, ये होता है आपका किसी भी बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया में मैंने यहाँ दो बैक्टीरिया के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, एक तो साल्मोनेला एंड एक सीडोमोनास एजेस, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका फंजाई की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। सो इसके बाद क्या होगा, आपका बैक्टीरिया जो है एंटर कर जाएगा आपके ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में जब बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो आपके इंट्राक्रेनियल आर्टरी या फिर मतलब कि आपके जो क्रेनियल है, क्रेनियल आर्टरीज है वहाँ पे चला गया मान लीजिए, या फिर आपके आर्म या लेग वाली आर्टरीज में कहीं भी आर्टरी वो में वो चला गया, जब वो वहाँ पे चला जाएगा क्योंकि वो बैक्टीरिया है तो वो क्या कॉज कर देगा, आपका वीक कर देगा आपके ब्लड वेसल्स को, ठीक है। अगर वो वीक कर देगा ब्लड वेसल्स को देन वट क्या होगा, एन्यूरिज्म, क्योंकि अभी तक हम यही तो पढ़ रहे हैं। एन्यूरिज्म क्या है, वीकनेस ऑफ द ब्लड वेसल्स। सो अगर ब्लड वेसल्स वीक हो जाएंगी तो एन्यूरिज्म हो जाएगा। सो दिस इज़ अ कंडीशन इन विच कि जब क्या है बैक्टीरिया कोई अफेक्ट करता है ब्लड वेसल्स को तो ब्लड वेसल्स वीक हो जाती है, एंड ब्लड वेसल्स वीक होंगी तो बल्ज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। अगर बल्ज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो फिर एन्यूरिज्म होगा। नेक्स्ट इट कैन ऑल्सो भी जेनेटिक, ये जेनेटिक भी हो सकता है, जैसे कि माफिन सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी होती है ब्लड वेसल्स की वो लूज़ हो जाती है, ठीक है, खो देता है ब्लड वेसल अपनी इलास्टिसिटी, तो उसकी वजह से क्या होता है एन्यूरिज्म हो जाता है। देन वी विल डिस्कस रिस्क फैक्टर की क्या क्या रिस्क फैक्टर। एक तो हिस्ट्री ऑफ हार्ट कंडीशन, अगर किसी पेशेंट का हार्ट की डिजीज़ है, कंडीशन है, तो उसको ये चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। स्मोकिंग है, ओबेसिटी है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, ये सारे चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स की। तो फर्स्ट टाइप है हमारा फ्यूजीफॉर्म टाइप, ठीक है। फ्यूजीफॉर्म क्या होता है कि इट इज़ अ डिफ्यूज डायलेशन दैट इन्वॉल्व द एंटायर सर्कमफेरेंस ऑफ एन आर्टेरियल सेगमेंट, ठीक है। जितना भी हमारा आर्टरीज है उसका कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट हो गया फ्यूजीफॉर्म में। सेक्युलर एन्यूरिज्म, नेक्स्ट सेक्युलर एन्यूरिज्म में क्या है कि डिस्टेंशन हो जाती है, डिस्टेंशन ऑफ ब्लड वेसल प्रोजेक्टिंग फ्रॉम वन साइड, सिर्फ एक साइड से होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म, हैमरेज और इंट्रा म्यूरल हेमेटोमा सेपरेटिंग द लेयर्स ऑफ द आर्टरियल वॉल्स, ठीक है। जो आपकी आर्टरीज की लेयर्स हैं, वॉल्स की लेयर्स हैं, जो हमने अभी पहले देखा था कि तीन लेयर्स होती हैं, वो तीनों को सेपरेट कर देगा और वहाँ पे एन्यूरिज्म होगा। फ्यूजीफॉर्म में उसने क्या बोला कि फ्यूजीफॉर्म में वो कंप्लीट इन्वॉल्व होती है, पूरी आर्टरीज दोनों साइड से इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेक्युलर में उसने बोला कि एक तरफ से होता है सिर्फ, तो ये होगा आपका इस तरीके से दिखेगा। एंड इसमें तो हेमाटोमा वाली कंडीशन है, तो ये आपका ऐसे दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप डायग्राम में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, दिस इज सेक्युलर। सेक्युलर में भी हमने पढ़ा क्या कि वो एक साइड होता है सिर्फ, फ्यूजीफॉर्म में पढ़ा हमने कि दोनों साइड होता है, डाइसेक्टिंग में पढ़ा कि ये जो है आपके ब्लड वेसल्स की जो लेयर्स हैं उनको अफेक्ट करता है एंड दोनों साइड हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज टाइप्स जो अभी हमने देखे। नेक्स्ट हमारे और भी टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू कॉज। कॉज के हिसाब से दो टाइप है, एक तो ट्रू एन्यूरिज्म एंड नेक्स्ट इज फॉल्स एन्यूरिज्म। सो ट्रू एन्यूरिज्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ की वजह से होता है, जो कि हाइपरटेंशन या फिर आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, डिजीज़ कंडीशन की वजह से इसको हम बोलते हैं ट्रू एन्यूरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्स। फॉल्स को हम स्यूडो एन्यूरिज्म भी बोलते हैं, जो कि मेनली इंजरी की वजह से होता है, ठीक है, इंजरी ट्रॉमा इन सब की वजह से होता है। सो डायग्राम हम एक बार देख लेते हैं कि ट्रू और फॉल्स कौन से हैं। देख रहे हैं आप इसमें, दैट इज़ ट्रू में आपके सेक्युलर एंड फ्यूजीफॉर्म आ गया, ठीक है, एंड फॉल्स एन्यूरिज्म में आपका ये ट्रॉमा की वजह से एक साइड से ऐसे बल्ज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, ठीक है। एंड ट्रू में क्या हो गया कि आपका सेक्युलर वाला हो गया या फिर फ्यूजीफॉर्म हो गया, बिकॉज किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से होना, लॉन्ग टर्म डिजीज़ कंडीशन की वजह से अगर कोई एन्यूरिज्म होता है देन इट विल कॉल्ड ट्रू टाइप ऑफ एन्यूरिज्म। एंड अगर किसी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से एन्यूरिज्म हो रहा है, जो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, बट इट इज़ ड्यू टू इंजरी, देन इट इज़ कॉल्ड फॉल्स एन्यूरिज्म। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप अकॉर्डिंग टू साइट, मींस बॉडी में कहाँ कहाँ पर एन्यूरिज्म है उसके हिसाब से जो टाइप्स होते हैं वो। फर्स्ट इज़ आपका थोरेसिक,
एरोटिक एनोरिज्म, ठीक है। एरोटिक एनोरिज्म में आपका एक तो होगा थोरोसिक एरोटिक एनोरिज्म एंड नेक्स्ट इज एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म, जिसको हम ट्रिपल ए भी बोलते हैं, बिकॉज एक तो ए आपका एब्डोमिनल वाला, एक एरोटिक वाला, एक एनोरिज्म वाला, देन इसको शॉर्ट टर्म में हम ट्रिपल ए लिख देते हैं। नेक्स्ट इज सेरिब्रल एन्यूरिज्म एंड नेक्स्ट इज पेरिफ्रल एन्यूरिज्म, ठीक है। सो हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे सबको। फर्स्ट इज आपका ट्रिपल ए, ठीक है, एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म। सो एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म जो होता है ये क्या होता है कि जो आपकी एओर्टा की वॉल्स होती हैं, एओर्टा जो आपका इन्फीरियर एओर्टा होता है जो कि आपके एब्डोमिनल एरिया को सप्लाई करता है ब्लड, है ना। सो उसकी जो वॉल्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं एंड वहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो जाता है। सो ये हो गया आपका ट्रिपल ए वाला कंडीशन। बट क्या होगा कि ये प्रॉब्लम कब कॉज करेगा, जब मान लीजिए कि अगर ये रप्चर हो गया, ठीक है, एक अगर ये रप्चर हो जाएगा तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है बिकॉज ब्लीडिंग होगी। देयरफॉर यू आर डायग्नोज विद अ एन्यूरिज्म, योर डॉक्टर विल प्रोबेबली वांट टू मॉनिटर यू क्लोजली इवन इफ यू दे डोंट इंटरवे राइट अवे, ठीक है। मीन्स अगर क्या है आपका एन्यूरिज्म जो है एओर्टिक एन्यूरिज्म अगर वो रप्चर हो गया, देन इट विल लीड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड मोर कॉम्प्लिकेशंस इन योर बॉडी, ओके। अब देख रहे हैं इस डायग्राम में जो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, यहाँ पर इस वाले डायग्राम में एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, मान लीजिए ऐसे है, अगर वो रप्चर होगा तो ब्लीडिंग होगी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, दिस इज़ नॉर्मल, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर ये एन्यूरिज्म वाली कंडीशन है। सो अगर वो रप्चर हो जाएगा तो क्या होगा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, अगर वो रप्चर हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपको ब्लीडिंग हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। देन क्या होगा, कभी भी इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो कॉम्प्लिकेशंस तो होंगी ना बॉडी में, सो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट इज आपका थोरेसिक एन्यूरिज्म, ठीक है। थोरेसिक एन्यूरिज्म में जो है क्या होगा कि थोरेसिक एन्यूरिज्म इज़ अ वीकेंड एरिया इन द मेजर ब्लड वेसल्स दैट फीड ब्लड टू द बॉडी व्हेन द आयोटा इज वीक। ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वेसल वॉल कैन कॉज इट बल्ज लाइक बलून एन्यूरिज्म, ठीक है। थोरेसिक एन्यूरिज्म को हम टी एंड डबल ए से भी डिनोट कर देते हैं कई बार, टी एंड डबल ए, ऐसे भी हम थोरेसिक एरोटिक एन्यूरिज्म को डिनोट कर देते हैं। ये आपके किसी भी पार्ट में, जो थोरेसिक है हमारा एरिया, उसके किसी भी पार्ट में हो सकता है थोरेक्स में, एंड क्योंकि वहाँ से जो है आपके ब्लड सप्लाई जा रही है पूरी बॉडी में, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, दिस इज़ नॉर्मल आयोटा एंड दिस इज़ एन्यूरिज्म वाला आयोटा। सो क्योंकि आयोटा ही है जो कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, सो अगर उसमें एन्यूरिज्म होगा तो उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। एंड जैसे कि हमने पैथोलॉजी में पढ़ा कि हाइपोक्सिया हो सकता है, सो वो कंडीशन आपकी हो सकती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेरिब्रल एन्यूरिज्म, ठीक है। सेरिब्रल एन्यूरिज्म क्या है, ये आपका सेरिब्रल से आपको पता चल रहा होगा कि ये ब्रेन की कंडीशन है, ब्रेन में एक जो आर्टरीज है वहाँ पर एन्यूरिज्म हो जाना, ठीक है, बलून में बल्ज लाइक स्ट्रक्चर तो हो गई क्योंकि एन्यूरिज्म है, एंड इट ऑफन लुक लाइक बेरी हैंगिंग, ठीक है, बेरी हैंगिंग ऑन अ स्टेम, ऐसा आपको ये नज़र आता है देखने पे। अब ब्रेन एन्यूरिज्म क्या हो सकता है, आपका रप्चर हो सकता है, लीक हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, हैमरेज एंड स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। कई बार जो एन्यूरिज्म जो है रप्चर हो जाएगा तो ब्रेन में हमारी लेयर्स होती है ना, सब एरेक्नोइड स्पेस, एरेक्नोइड स्पेस, मेनिंजेस, ये लेयर्स होती हैं हमारी ब्रेन्स में, सो इनके बीच में क्या हो जाएगा, हैमरेज हो जाएगा एंड ब्लीडिंग होगी एंड फिर बहुत सारे डिजीज़ कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, शॉक हो सकता है पेशेंट को, डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। सो देख रहे हैं ये आपका सेक्युलर एन्यूरिज्म है, ये आपका रप्चर हो गया है एन्यूरिज्म, ठीक है, एंड दिस इज़ फेजिफॉर्म एन्यूरिज्म, किसी भी टाइप वाला एन्यूरिज्म ब्रेन में हो सकता है एंड अगर वो रप्चर हो जाएगा तो पेशेंट को शॉक हो सकता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पेरिफ्रल एन्यूरिज्म। सो पेरिफ्रल एन्यूरिज्म क्या होता है कि एलार्जमेंट और वीकेंड एरिया इन एन आर्टरी अदर देन योर आयोटा, मीन्स आयोटा को छोड़ करके किसी और आर्टरीज में एन्यूरिज्म का होना, दैट इज़ पेरिफ्रल एन्यूरिज्म, ठीक है। एंड ये जो एन्यूरिज्म है आपका कहीं भी हो सकता है बॉडी में, आपके लेग में हो सकता है, हैंड में हो सकता है। सो लेग और आर्म पेन, क्रैम्पिंग विद एक्सरसाइज, पेनफुल सोर्स, ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो है इसको पेरिफ्रल एन्यूरिज्म हुआ है जो कि लेग में हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर पॉपलीटल एनोरिज्म हुआ है। पॉपलीटल मीन्स कहाँ पर आपके जो घुटने के पीछे का जो वहाँ एरिया है वहाँ पर पॉपलीटल आर्टरी होती है, जहाँ पर हम पल्स भी फील कर सकते हैं। एंड वहाँ पर क्या है, एन्यूरिज्म वाली कंडीशन ये इस डायग्राम में दिखाई गई है। अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। डायग्नोस्टिक कैसे कर सकते हैं हम, पेशेंट को कैसे डायग्नोस करेंगे हम, उसका कर सकते हैं चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको, ईसीजी, एमआरआई, एंजियोग्राफी एंड आर्टोग्राम। ठीक है, ये सारे डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन हम पेशेंट के साथ कर सकते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम पेशेंट को देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, पेशेंट को हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं एंड बीटा ब्लॉकर देते हैं, साथ में हम उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी देते हैं अगर हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है तो, एंड साथ में हम उसको एंटी एंजाइनल ड्रग्स देते हैं क्योंकि जो चेस्ट पेन होता है उसके लिए हम उसको, अगर एंजाइना है तो हम उसको एंटी एंजाइनल ड्रग्स भी देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अगर सर्जरी की बात करें तो हम उसका करते हैं ओपन रिपेयर एंड एंडोवास्कुलर रिपेयर पेशेंट का कर सकते हैं। इस डायग्राम में जो है ट्रीटमेंट किया गया है आपका, सर्जरी की गई है आपके एन्यूरिज्म की। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेशेंट का कंडीशन को असेस करेंगे। ठीक है, असेस द क्लाइंट एनजाइटी लेवल, नोट साइन एंड सिम्टम। ठीक है, प्रोवाइड क्वाइट प्राइवेट प्लेस, उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करानी है बिकॉज उसको एनजाइटी हो रही है, तो एनजाइटी को रिमूव करने के लिए हमें उसको प्राइवेसी देनी है एंड रेस्ट प्रोवाइड कराना है। उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, अगर कुछ भी उसके साथ प्रोसीजर हमें करना है तो पहले उसको एक्सप्लेन करें ताकि वो डरे नहीं। ठीक है, उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, मेडिकेशन देनी है एंड डॉक्यूमेंटेशन इज़ नेसेसरी, जो कि आपको लास्ट में लिखना ही लिखना होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट एन्यूरिज्म। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको किसी तरीके की मॉडिफिकेशन चाहिए लेक्चर में, कि अगर आपको किसी और तरीके से पढ़ना है, आप उसको भी मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन।